महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। राजनीतिक संकट और शिवसेना की टूट के बीच महाराष्ट्र सीएम शिवसेना के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बैठक में आगे की रणनीति पर नेताओं से चर्चा होगी। इधर शिवसेना विधायक नितिन देशमुख आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। नितिन देशमुख कल सूरत से नागपुर पहुंचे थे और दावा किया था कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार और एनसीपी विधायकों की भी आज बैठक होगी। ये मीटिंग वाईबी चौहान में होने वाली है, जहां पर एनसीपी के बड़े नेता उपस्थित होंगे। दूसरी तरफ अब शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी के बीच दरार की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेताओं ने शक जताया कि शिवसेना खेमे में जो उथल पुथल चल रही है उसमें शिवसेना के बड़े नेताओं का हाथ है। अजीत पवार के घर कल देर रात बैठक हुई, जिसमें उद्धव के सरकारी बंगले को छोड़ने के फैसले पर एनसीपी कोटे के मंत्रियों ने नाराजगी जताई है। वहीं अब तक एकनाथ शिंदे के खेमे में कुल 48 विधायकों के पहुंचने का दावा उनके समर्थकों की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें 7 आज सुबह पहुंचे, ऐसा बताया जा रहा है। होटल में अब शिवसेना के 41 और 4 निर्दलीय हैं, जबकि कुल मिलाकर 45 विधायक हैं, जिसमें से कल रात 3 निकले हैं।